ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। नमस्ते, आज मान्यवर काशीराम जी की 28वीं जयंती है। मान्यवर काशीराम जी जिन्होंने बहुजन समाज के लिए एक आंदोलन चलाया, इसमें किसी तरीके की कोई शक या कोई भी कभी बात नहीं हो सकती है, कोई इस चीज़ पर सवाल नहीं उठा सकता है कि मान्यवर काशीराम जी की बदौलत ही बहुजन समाज के राजनीति की शुरुआत हुई। बाकी हम लोग मान्यवर काशीराम जी के सफर के बारे में और बातचीत करेंगे, इसमें डिटेल से हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रविकांत साहब, जिनको आप सब लोग देखते रहते हैं। वो हमें मान्यवर काशीराम जी के जीवन का एक पूरा सफर जो था उसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम लोग प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आज मान्यवर काशीराम जी की 28वीं जयंती है, तो हम लोग तो थोड़ा उनके जीवन पर एक प्रकाश डालें कि कैसा रहा उनका राजनीतिक सफर, कैसा कैसे बहुजन समाज के लिए जो आंदोलन चले और आज तक वो आज के इस परिदृश्य में वो कहां तक सार्थक होते हैं। प्रोफेसर साहब, काशीराम जी की जयंती पर आप तमाम जो श्रोता हैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं, और हम उनको याद करते हुए उनको मिशन को न भूलें, और इसी की प्रक्रिया में मुझे लगता है कि ये पब्लिक इंडिया ने ये कार्यक्रम रखा है। मैं मान्यवर कांशीराम जी के उनके अपने नायक डॉक्टर अंबेडकर के उस कथन से आज की इस बातचीत को शुरू करना चाहता हूं कि जब संविधान पारित होने का समय आया उसके ठीक एक दिन पहले बाबा साहब ने एक चुनौती के रूप में बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि हम एक असमान समाज में एक एक समता मूलक या समता पर आधारित राजनीति को शुरू करने जा रहे हैं और यही सबसे बड़ी चुनौती भी होगी। उनके कहने का मतलब ये था कि राजनीतिक आजादी तो प्राप्त हो गई है, लेकिन जो सामाजिक आजादी है और आर्थिक आजादी है ये सवाल अभी जीवित है, और इस पूरे लोकतंत्र की राजनीतिक प्रक्रिया में इन सवालों को ही सॉल्व किया जाएगा एक तरह से, और सामाजिक न्याय को स्थापित करते हुए समता और बंधुत्व को प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आजाद भारत की राजनीति में जो उम्मीदें स्वाधीनता आंदोलन में जो शामिल लोग थे, जो नायक थे, उन्होंने जो सपने देखे थे वो उतनी शीघ्रता से नहीं हो सके, और जो सामाजिक ताकतें थीं, जो वर्चस्वशाली ताकतें थीं, शायद उनके लिए लोकतंत्र उस तरह से ठीक भी नहीं था। माने उनके अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए उन्हें उस लोकतंत्र की प्रक्रिया को एक तरह से खारिज करना था, और यही वजह रही कि जो हाशिए के तबके थे उसमें चाहे दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, महिलाएं हों या अल्पसंख्यक समाज हो, वो कहीं ना कहीं अपने आप को हाशिए पर ही पा रहा था, उस राजनीतिक उस प्रक्रिया में उसे भूमिका नहीं प्राप्त हो रही थी। तो और टोकन के रूप में इन तमाम समुदायों के लिए वो राजनीति दिखाई दे रही थी। कांशीराम का जो जीवन है वो तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानते होंगे। 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ में उनका जन्म हुआ। वो जिस रामदासिया संप्रदाय से आते थे वो सिख हो चुके थे, और उस तरह से उनको जाति की प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़ा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में या बिहार में आमतौर पर जो हिंदू वर्ण व्यवस्था में दलितों की जो स्थिति रही है। कांशीराम साहब अपने जीवन में बहुत हष्टपुष्ट और खाने पीने में मस्त रहने वाले लड़ाका प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, पढ़ने में बहुत मेधावी थे, हमेशा प्रथम श्रेणी पास करने वाले साइंस बैकग्राउंड के। वो कांशीराम आपके DRDO में नौकरी करते हैं शोध सहयोगी के रूप में, और यहीं से उनके एक तरह से राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत होती है। वो एक पहला घटनाक्रम है जिसमें एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है दीना भाना जिनका नाम था, वो राजस्थान के वाल्मीकि जाति से आते थे। वो अपने कार्यालय में जो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की छुट्टी होती थी, वो छुट्टी जो समाप्त कर दी गई थी अग्रणी जातियों के कर्मचारियों के प्रभाव के कारण, और बाबा साहब की छुट्टी की गई थी और आपका फूले की जयंती की छुट्टी की गई थी,
और गोखले और तिलक की जयंती की शुरू शुरुआत की गई थी, तो इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया उन्होंने और वहीं से कांशीराम साहब के उनसे संबंध बनते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या है, तो आप कैसे लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी नौकरी जाती है तो जाए, लेकिन मैं बाबा साहब के जयंती के दिन छुट्टी जरूर करवाऊंगा कैसे भी हो। तो वो एक लंबी कहानी है जिसमें वो दीना आपके सस्पेंड तक होते हैं, लेकिन अब वो अदालत में लड़ाई लड़ते हैं, कांशीराम साहब उनकी मदद करते हैं और यहीं से उन्होंने जो भारत के समाज की वर्ण व्यवस्था की जो विसंगतियां हैं उनको समझने की कोशिश की और उन्होंने जाना कि किस तरह से इस राजनीतिक आजादी के बावजूद ये जो विभेद हैं वो किस तरह से संचालित है, किस तरह से जारी हैं। और उन्होंने वहीं से करीब करीब मन बना लिया कि अब इस लड़ाई को हमें आगे लड़ना होगा, ये सिर्फ यहाँ का सवाल नहीं है, ये तो पूरे भारत में इस तरह की चीजें हैं। और वहां से फिर वो बाबा साहब की जाति भेद का उच्छेद किताब को पढ़ते हैं, ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी को पढ़ते हैं, यहाँ से उन्होंने पढ़ना शुरू किया खास करके इस वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए। और उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि अब हमें इस समाज में भेदभाव को मिटाना है और जो दलित वंचित जो तबका है उसको उसका सशक्तिकरण करके उस समाज में समता स्थापित करनी है। इस संकल्प के साथ एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया अपने जीवन में, एक 24 पेज का उन्होंने पत्र लिखा अपने परिवार वालों को, जिसमें उन्होंने अपने उद्देश्य के बारे में लोगों बताया अपने परिवार को कि अब वो न तो शादी करना चाहते हैं, नौकरी भी छोड़ना चाहते हैं और समाज के लिए अपने को समर्पित कर देना चाहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि जो संकल्प सबसे मजबूत था कि मैं कभी अपने परिवार से नहीं मिलूंगा लौट करके, मैं कभी घर नहीं आऊंगा और किसी भी परिस्थिति में मैं मिलना भी नहीं चाहता। ये जब चिट्ठी उनके घर पहुंचती है तो चिट्ठी तो चूंकि आज नहीं है, उनकी बहन ने बहुत सारे लोगों को उसके बारे में बताया कि घर में अब जिस तरह का होता है, वो सबसे बड़े बेटे थे और उनकी शादी के भी ख्वाब थे, वो नौकरी कर रहे थे तो परिवार के सशक्त और मजबूत होने के भी ख्वाब थे, माँ जाती है मनाने के लिए, पूना में वो नौकरी कर रहे थे और माँ ने जो एक एक घटना को बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है कि रात में जाग करके बराबर पढ़ते रहते थे। एक बार उन्होंने पूछा कि ये इतना देर तक क्यों पढ़ते हो, कांशीराम ने कहा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें जो सत्ता की चाबी है और मैं उस समाज को बदलने के लिए, उस जो वंचित और दलित समाज है उसे सत्ता दिलाने के लिए इन किताबों को पढ़ रहा हूँ। बाबा साहब की किताबें ज्यादातर वो पढ़ रहे थे, तो वहां से और फिर माँ ने भी समझ लिया कि लौट करके नहीं आएंगे, तो कांशीराम साहब का सफर आगे जारी रहता है और घर और परिवार के लोगों ने उस बात को समझ लिया कि अब इनका रास्ता कुछ और है। महाराष्ट्र में वो नौकरी कर रहे थे, पंजाब में उनका जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने राजनीति के लिए, सामाजिक आंदोलन के लिए केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना क्योंकि उत्तर प्रदेश ज्यादा वंचित और यहाँ पर उत्पीड़न के लिहाज से ज्यादा शोषण होता था, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुना और यहीं आकर के वो सामाजिक आंदोलन शुरू किए। और उसके पहले तो वहीं महाराष्ट्र में रहते हुए उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के साथ जो मेलजोल बढ़ाया क्योंकि उनको लगता था कि अब जरूरत इस बात की है कि जो आरक्षण के द्वारा जिन लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं वो अगर संगठित हो करके और पे बैक टू सोसाइटी करें तो इस समाज को आगे ले जाने में और उसे राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। और इसलिए उन्होंने कुछ संगठन उन्होंने शुरू किए जो आगे चल करके वो आपके बामसेफ के रूप में हमारे सामने आता है, लेकिन बामसेफ के पहले वो एक और SC ST का संगठन कर्मचारियों का शुरू करते हैं और उसमें वो पे बैक टू सोसाइटी के रूप में 2% कमाई की बात करते हैं, जबकि बाबा साहब ने तो 5% के लिए कहा था कि आप जो भी आपकी जो कमाई है उसका 5% आप समाज के लिए खर्च करें, लेकिन कांशीराम साहब ने व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से उसे 2% किया और लगातार वो उन तमाम कर्मचारियों के और कर्मचारियों के लिए इसलिए कि भले ही दलित वंचित तबके के लोग सरकारी कर्मचारी हो गए हों, सरकारी नौकरी में आ गए हों, लेकिन ये जो वंचना है,
ये जो भेदभाव है वो सरकारी संस्थानों में भी खत्म नहीं होता। आप याद कीजिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, जब वो विदेश से पढ़ करके भारत में आते हैं और नौकरी करते हैं, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, तब उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है। तो जिस समाज में, चाहे आप सरकारी अफसर हो या कर्मचारी हो, आपके जो सम्मान है वो जाति के आधार पर तय होता है। वहां कांशीराम साहब जानते थे कि ये तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है, तो उनमें चूंकि वो चेतना संपन्न है, उस बात को समझते हैं या बहुत आसानी से वो संगठित हो सकते हैं, तो उनको उन्होंने सबसे पहले जोड़ना शुरू किया और उसी को आगे चल करके उन्होंने आपका वामसेफ में तब्दील किया 1978 में। और वामसेफ के माध्यम से उन्होंने उस आंदोलन को जारी रखा और धीरे धीरे जो संगठन बना, उन्हें फिर उसके बाद लगा कि अब एक राजनीतिक संगठन की भी जरूरत है, तो आगे चल करके उन्होंने 1981 में DS4 को बनाया। और ये जो DS4 था, उसमें अगर हम उनके नारे को याद करें कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब हैं DS4, तो जिसमें दलित, पिछड़े, मुस्लिम, महिलाएं, ये तमाम जो समुदाय हैं वो DS4 में जुड़ते हैं। और DS4 को बनाते समय उन्होंने एक पाबंदी लगा रखी थी कि जो वामसेफ का सदस्य है वो DS4 का सदस्य नहीं हो सकता है, और इसे उन्होंने 10 विभागों में विभाजित किया। मान्यवर साहब का जो विजन है वो बहुत क्लियर था, बहुत स्पष्ट था, और किस स्तर पर क्या क्या काम करना है, किन समुदायों में जाना है और कैसे जागृति पैदा करनी है, ये बखूबी वो जानते थे। तो उन्होंने इसे 10 विभागों में विभाजित किया, जिसमें एक विभाग उनका जागृति, महिला, छात्र, ये तमाम तरह के जो आनुषंगिक संगठन उन्होंने बनाए, उन आनुसंगठित संगठनों की जो कार्यशैली थी, जो उनको काम दिया गया था, वो बहुत ही स्पष्ट होता था। मसलन जागृति का, तो वो जाकर के जागरूकता पैदा करना है छात्रों में, चेतना छात्रों के लिए, और विद्या जो और महिला विंग थी, और साथ ही साथ जो भारत की राजनीति में उन्होंने बहुत सारे नए प्रयोग किए। मसलन खुद उन्होंने अपने इन कैडर से ही, जिनमें वो एक चेतना पैदा कर रहे थे, उसी कैडर से उन्होंने अपने आरक्षी भी पैदा किए। अपने जब भी वो उनकी सभा होती थी, बड़े आयोजन होते थे, तो उसमें किसी पुलिस की जरूरत नहीं होती थी, बल्कि उनके ही प्रशिक्षित किए हुए तमाम जो नौजवान हैं वो बाकायदा अपने उस पूरे आयोजन को अनुशासित करने के लिए काम करते थे। वो एक तरह से जो उनकी एक निजी पुलिसिंग आप कह सकते हैं, वो उन्होंने शुरू की। और अपने उस आंदोलन में जिस तरह का संघर्ष उन्होंने किया, कांशीराम चाह अगर चाहते तो वो भी एक नौकरी करते हुए एक मध्यवर्गीय जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि ये जो समाज है वो समाज दलित और वंचित बना रहेगा अगर इसमें मूवमेंट खड़ा नहीं होगा, इसमें चेतना नहीं आएगी। तो नौकरी छोड़ने के बाद जिस तरह से वो साइकिल यात्राएं करते हैं, पैदल यात्राएं करते हैं, और उनके जीवन के बारे में ढेर सारी जो कहानियां हैं उनके बारे में जो लोगों ने बताया है, और वो सुनकर के बड़ा रोमांच पैदा होता है, पढ़कर के बड़ा रोमांच पैदा होता है कि किस तरह से वो संघर्ष कर रहे थे, साधारण श्रेणी की यात्रा करते हुए दूर दूर जाया करते थे, गाँव में जाते थे, और गाँव में जाकर के लोगों से बातचीत करना, और अक्सर वो किसी के घर के बजाय किसी सामुदायिक स्थान पर रुकना पसंद करते थे कि ताकि सबसे मिला जाए और रुकने के लिए किसी एक व्यक्ति के घर पर बोझ भी ना पड़े। तो ये जो रणनीति उनकी थी, और वहां पर कैडर देना, महिलाओं के बीच में कैडर देना, वो जो समझाते थे कि किस तरह से छुआछूत का व्यवहार होता है समाज में, किस तरह से अगर सरकारी नौकरी में भी है तो वहां पर जिस तरह का भेदभाव होता है, और इससे मुक्ति के लिए हमें राजनीतिक रूप से संगठित होना होगा। पे बैक टू सोसाइटी केवल सरकारी कर्मचारियों की भी नहीं थी, बल्कि जहां जहां वो जिस गांव में जाते थे, जिन लोगों के बीच में वो बातचीत करते थे, उनमें महिलाएं तक ऐसी थीं जो कांशीराम साहब के बातचीत सुनने के बाद वो अगर कटाई करने के लिए जाती थी तो वो ये कहती थी कि एक पूरा तो हमारे अपने जीवन के लिए होगा, और एक पूरा माने एक जो मुठ्ठा
जो मिलता था उनको, ये कांशीराम साहब के मिशन के लिए होगा। तो लोग इस तरह से उनके समर्पित मिशन के लिए अपना योगदान देना चाहते थे और उनके साथ जुड़ना चाहते थे, तो ये उनका मिशनरी काम था। बाद में उन्होंने जब DS-4 बनाई है तो उसमें बड़ी बड़ी लंबी साइकिल आता है और साइकिल उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है। मुझे याद आता है कि उनके एक मित्र जो पूना में ही उस समय थे, वो साइकिल में अगर कुछ हो जाता था तो वो पूछते थे कि इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो। कोई साइकिल एक बार चोरी हो गई थी, बाद में खैर वो मिल गई, तो जिसने चुराई थी उसको कांशीराम साहब ने पीटा था, तो जो गुस्सा उनको होता था, तो उनके मित्र ने पूछा कि भाई आप इतना गुस्साते हैं केवल साइकिल के लिए। उन्होंने कहा कि साइकिल ये मेरे लिए सिर्फ साधन नहीं है, मेरे मिशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है, और बिना इसके मैं काम नहीं कर सकता। और उन्हीं साइकिल यात्राओं के मार्फत पूरा बहुजन आंदोलन खड़ा होता है। मुझे याद आता है कि 1983-84 में एक उन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया DS-4 के मार्फत ही, वो साइकिल यात्राओं के माध्यम से कन्याकुमारी से उन्होंने शुरू किया था 6 दिसंबर को, और इस दूसरी यही कारगिल से शुरू हुआ 18 दिसंबर को, ऐसे ही फिर कोहिमा से आगे जगन्नाथपुरी से और अंतिम पोरबंदर से। तो जो दिसंबर से शुरू हुआ और मार्च में जाकर के 15 मार्च को बोट क्लब दिल्ली में जाकर के वो समाप्त होती है साइकिल यात्रा, तो एक तरह से पूरे अखिल भारतीय उन्होंने समुदाय को जोड़ा उस पूरे साइकिल यात्रा के माध्यम से और चेतना पैदा की। यहाँ जो जमावड़ा हुआ था वो 3 लाख लोगों का हुआ था। तो जो सामाजिक जागरूकता पैदा की उन्होंने, जो राजनीतिक चेतना उन्होंने पैदा की दलित वंचित तबके में, और उन्हें जो संगठित बनाया और उस संगठन के लिए चेतना पैदा करना उस सोए हुए समाज में, एक तरह से कहूं एक मृत समाज में, ये बहुत कठिन काम था। लेकिन उनकी अपनी जो कार्यशैली थी कि जिसमें उन्होंने बहुजन नायकों को एक तरह से रिक्रिएट किया, उसमें चाहे झलकारी बाई हो, सोहेल देव पासी हो, बेगम हजरत महल हो, या और लखन पासी हो, ये जो बहुजन नायक हैं वो जो जमीन पर जाकर के इन नायकों को उभार रहे थे, उनके बारे में उनका इतिहास लिखा जा रहा था, तो ये उनका जो बौद्धिक प्रकोष्ठ था वो नए तरह से इतिहास लिख रहा था, वो गीत लिख रहा था कि बाबा साहब तुम्हारा मिशन अधूरा, कांशीराम जी करेंगे पूरा। और नारे नारे तो कई बहुत महत्वपूर्ण होते थे, जिसमें आज वो नारे शायद खो गए हैं। 1585 की बात वो करते थे, वो कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे की वो बात करते थे। और साथ ही साथ वो जो चेतना पैदा करने के लिए अपने जो पूर्व के जो नायक हैं, चाहे उसमें ज्योतिबा फूले हों, शाहू जी महाराज हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों, और उनके शिक्षाओं का और उनके कामों को वो सामने रख करके अपने उस पूरे समाज को उन्होंने चेतना संपन्न बनाया, जागरूक बनाया। और जो उन्होंने कभी माँ से कहा था कि इन किताबों में सत्ता की चाबी है, गुरु किल्ली है, वो गुरु किल्ली उन्होंने प्राप्त की। और 1984 में BSP का गठन करके, और उत्तर प्रदेश में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री होती हैं, एक तरह से हम ये कहें कि बहुजन का जो सपना था, बहुजन को सत्ता प्राप्ति का सपना था, वो उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। और आज की तारीख में हम कहें कि जो चल रहा है उस राजनीति के बरक्स, जब वो कहते थे कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, शायद इसको इस बहुजन समाज ने भुला दिया है। आज जरूरत है कि कांशीराम साहब के जो सपने, जो सपना था, वो सपना कहीं अब छीण हो रहा है, और ये राजनीति उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ही माध्यम से, जिस तरह से गैर संवैधानिक ढंग से चल रही है और संविधान के मूल्यों की हत्या हो रही है, उसमें फिर से लौटने की जरूरत महसूस हो रही है, और उस नारे को फिर से बुलंद करने की जरूरत महसूस हो रही है कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, क्योंकि उसे ही जरूरत है कि वो सत्ता में आकर के अपने अधिकारों को मजबूत करे और इस देश में समता, न्याय और बंधुत्व स्थापित हो। काशीराम जी की जयंती पर आज उनके जो जीवन का सफर था वो प्रोफेसर साहब ने हम लोग को बताया, बामसेफ से DS-4 और DS-4 से बसपा तक का उनका जो सफर था वो निश्चित तौर पर बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था,
और साथ ही साथ इसके लिए उनको अपनी जीवन में कई बलिदान भी देने पड़े। निश्चित तौर पे जो काशीराम जी का जीवन था वो न केवल राजनीति बल्कि आम जीवन में भी वो प्रेरणा के स्रोत के तौर पर देखे जाने चाहिए। प्रोफेसर साहब, पूरा काशीराम जी के बारे में, पूरे सफर के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप YouTube पर हमारे साथ बने रहिए, Facebook पर हमें लाइक कीजिए। धन्यवाद। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है।